तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम, वो जिस रास्ते पे चला जाएगा इस मनहज को छोड़कर हम उसी पर उसको लगा देंगे और दोजख की आग में उसको ढकेल देंगे। सामईन महतरम, ये एक असली बुनियाद है, इसको समझना है। सहाबा का मनहज, अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मुस्लिम शरीफ की हदीस जो इस बात को समझाती है। मा अना अलैहि अल्यौम व अस्हाबी, नबी ने नाजी जमात के बारे में बयान किया, वो लोग होंगे जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे। लिहाजा सहाबा के मनहज को जिन लोगों ने अपनाया जब से दुनिया में इस्लाम आया, जब से नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में इस्लाम छोड़ गए, सहाबा ने समझा उस इस्लाम को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को समझा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक लोगों तक बयान किया, जिन लोगों ने उनके मनहज को इख्तियार किया वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो गए। जिन लोगों ने सहाबा के मनहज को छोड़ा, कोई और मनहज इख्तियार किया, वो गुमराह हो गए। जैसा कि इसमें सबसे पहले आते हैं खवारिज। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत में इरशाद फरमाता है, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, जब लोगों से कहा जाता कि तुम जमीन में फसाद मत बरपा करो, फितना व फसाद मत फैलाओ, कहते कि हम कहां फसाद मचा रहे हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, इनको पता नहीं है, इनको महसूस नहीं है, इनको महसूस नहीं होता है कि यही फसादी है, यही फसादी है। ये समझते हैं कि हम मुस्लिह हैं लेकिन ये मुफसिद है, लेकिन इनको पता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में, सही रिवायत में इस बात की खबर दी है कि यहूद व नसारा जैसे फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी फिरकों में बट जाएगी। आप अलैहिस्सलाम ने खबर दी और अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तकाजा है कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की तमाम खबरों की तस्दीक करें, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये लाजिम आएगा तस्दीकहु फीमा अखबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खबरों पर यकीन। आप अलैहिस्सलाम ने पेशिन गोई फरमाई, इस हदीस खबर दी कि यहूद और नसारा जैसे 72 फिरकों में बढ़ गए इख्तलाफ करते हुए, अपने नबी से इख्तलाफ करके वो लोग 72 फिरकों में और जमातों में बैठ गए। सतफ्तरिक उम्मती अला 73 फरका, मेरी उम्मत भी उसी तरीके से 73 फिरकों में बैठ जाएगी। ये मशहूर हदीस है, मेरी उम्मत भी 73 जमातों में बैठ जाएगी इख्तलाफ करने के बाद। फिर क्या फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, जो ला यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, वही के बाद ही अपनी जबान को खोलते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब दोजख की आग में होंगे सिवाय एक के, यानी 72 दोजख की आग में एक जमात नजात पाएगी जन्नत में जाकर। सहाबा ने इल्म के शौकीन सहाबा फौरन पूछ बैठे, मन हुम या रसूल अल्लाह, ये नाजी लोग, ये नजात पाने वाले लोग कौन हैं? मुख्तलिफ रिवायतें जवाब में आई जो बुखारी मुस्लिम वगैरह की सही किताबों में मौजूद है सही सनदों से। एक रिवायत के अल्फाज हैं, मा अना अलैहिल यौम व अस्हाब, सही रिवायत। आज इस पर गौर करें, आज पर आप अलैहिस्सलाम ने उस नाजी फिरके के बारे में बयान किया कि आज मैं और मेरे सहाबा जिस तरीके पर होंगे वो कयामत तक इसी तरीके पर होंगे। क्या मतलब? उनकी इबादत, उनके अकीदे, उनके मामलात, उनका कुरान समझना, उनका हदीसों से दलीलें लेना, पूरा दीन उनका वैसे होगा जैसे आज मदीना में हदीस बयान की जा रही है। आज मैं और मेरे सहाबा जिस दीन पर हैं, जिस तरीके पर हैं। दूसरी रिवायत में आया कि वो जमात है, हुमुल जमा, वो क्या है, जमात है, ये भी सही रिवायत। तीसरी सही रिवायत के अल्फाज हैं, अस्सवादुल आदम, वो सवादे आदम होंगे। इन सही रिवायतों को सामने रखते हुए तीसरी और चौथी सदी के मशहूर सलफी आलिम इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह
जिनकी मशहूर किताब अश्शरिया अरबी जबान में मौजूद है। इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह इन आयतों को सामने रखते हुए फरमाते हैं इन तमाम का माना एक ही है। जमात आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया मैं और मेरे सहाबा आज इस तरीके पर हैं। तीसरी रिवायत में फरमाया सवादे आदम, ये तीन का मतलब इंशाल्लाह एक ही है। और वो क्या है? मन कान अलल हक व इन कान फर्दन, वो लोग होंगे जो हक पर होंगे अगरचे वो एक भी क्यों ना हो। ये जरूरी नहीं है कि वो मेजॉरिटी में हो, ये जरूरी नहीं है कि वो एक जमात अक्सरियत में हो, बल्कि असल जरूरी चीज यह है कि वो हक पर हो, कुरान और हदीस को सहाबा की तरह समझते हो, वो लोग नाजी हैं। अगरचे वो लोग कसरत में तादाद में ज्यादा नहीं बल्कि पूरे मुल्क में पूरे शहर में एक भी क्यों ना हो। इब्ने मसूद की हदीस से दलील देते हैं, फरमाते हैं इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु इन्नल जमात मन कानू अलल हक व इन कुंत वहदक औ कमा कला रजी अल्लाह ताला, फरमाते हैं जमात, जमात का मतलब यह नहीं है कि वो मेजॉरिटी एक ज्यादा तादाद उनकी हो। जमात उस आदमी को उन लोगों को कहा जाएगा जो हक पर होंगे अगरचे तुम अकेले भी क्यों ना हो। इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अगर तुम अकेले हो और हक पर हो और तुम्हारे अलावा पूरा गांव पूरा शहर पूरी बस्ती बातिल पर है अकीदे गलत है तो मतलब यह नहीं है कि वो नाजी है कि वो अक्सरियत में नहीं। हक पर बुनियाद क्या है? हक पर होना। चुनांचे ये बात वाजे हो गई कि एक जमात नाजी है बाकी सब गुमराह है दोजख की आग में जाने वाले हैं। मेरे मोहतरम सामईन इन गुमराह जमातों में इन गुमराह फिरकों में सबसे बड़ी गुमराही जिससे हुई या सबसे ज्यादा गुमराह जो हो गए सबसे ज्यादा इस्लाम और मुसलमानों को जिनसे नुकसान हुआ सबसे ज्यादा जो लोग हिदायत से भटक गए सबसे पहले जो इख्तलाफ किए सबसे पहले जिन्होंने शर फैलाया और सहाबा का कत्ल किया वो है खवारिज। कौन है? खवारिज। खवारिज ये एक फिरकतुन दाल्ला का नाम है जिसकी खबर नबी अलैहिस्सलाम इस हदीस में देते हैं कि 72 फिरके दोजक की आग में होंगे इनमें सबसे बड़ा फिरका इसमें सबसे अशर फिरका जिसका शर सबसे ज्यादा हुआ था और हो रहा है और होता रहेगा वो है खवारिज का फिरका। खवारिज जमा है खारिजी की, खराजा या खुरुजू अरबी में कहते हैं निकलने को। खवारिज ये वो गुमराह फिरका है जो इस्लाम से निकलता है मुसलमानों के खिलाफ निकलता है हाकिम वक्त के खिलाफ निकलता है और हाकिम वक्त इमामुल मुस्लिमीन की इताअत से अपने आप को निकालता है इसीलिए इनका नाम खवारिज रखा गया। इनकी तारीख क्या है? इनकी तारीख से पहले इनके कुछ नाम हैं। ये खवारिज के नाम से मौसूम किए गए। इसी तरीके से हरूरिया इनका दूसरा नाम है, अजारिका इनका तीसरा नाम है, असफरिया इनका चौथा नाम है, अन्नजदात इनका पांचवा नाम है। ये पूरी एक ही जमात खवारिज है जिनके अकीदे जिनकी निशानियां जिनका नुकसान सब एक ही है। यानी इनसे नुकसान हुआ है इस्लाम और मुसलमानों को बहुत ज्यादा, आज भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, दूसरी जगह भी हो रहा है, जैसे कि मैं आगे तफसील बयान करने वाला हूं। इनके मुख्तलिफ नाम है हरूरिया अल अजारिका असफरिया अन्नजदात अल इबागिया, ये सब इन इस फिरके के नाम खवारिज। अब खवारिज के मुतालिक ये बात भी मालूम करना जरूरी है कि इनका वजूद कब हुआ, सबसे पहले ये सबसे पहले कब आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में ये इनकी असल शुरू हुई। एक आदमी आता है नबी अलैहिस्सलाम की जात पर इल्जाम लगाता है। आइए इस वाक़े को और इस पहले खारजी को मालूम करते हैं बुखारी की हदीस की रोशनी में। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है, फरमाते हैं एक आदमी नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। कब? जब नबी अलैहिस्सलाम गज़वे हुनैन से वापस हुए और माले गनीमत मदीना में तकसीम कर रहे थे। जैसा कि मालूम है कि गजवे में काफिरों की तरफ काफिरों का जो माल वो छोड़कर जाते हैं वो मुसलमानों का गनीमत का माल होता है और इमामुल मुस्लिमीन उसको तकसीम करते हैं जिसकी शरीयत जिसके बारे में इजाजत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयतों में दी। नबी अलैहिस्सलाम माल गनीमत को तकसीम कर रहे थे, एक आदमी आता है